मैं केशव से कैसे मिली, दिल्ली में मैं किसी को भी नहीं जानती थी। लगभग एक साल तक नए ड्राइंग्स बनाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे एक एग्जीबिशन करनी चाहिए। मैं ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी गई। वहाँ एक बहुत प्यारे इंसान से मुलाकात हुई, उनका नाम था मनोहर कौल। मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ शो करना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे काम देखे, उनको पसंद आया। मैंने कहा मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं इस शो को किससे इनॉग्रेट कराऊँ। तो बोले एक एग्जीबिशन चल रही है, जाओ उसी हॉल में देखो, वहाँ पे जो सबसे लंबा व्यक्ति खड़ा होगा, जो दुनिया में सबसे अलग दिख रहा होगा पूरे भीड़ में, वही केशव मलिक है। जाके तुम उनका पैर पकड़ लो और बोलो कि मेरा शो आप ही को इनॉग्रेट करना है। बस इतनी सी बात सुन के मैंने और सुनने की ज़रूरत नहीं समझी। मैं हॉल में गई और केशव को जाके देखा। सचमुच पूरी भीड़ में जो वहाँ पे 100-200 लोग खड़े थे, एक व्यक्ति बिल्कुल एकदम क्यूपिड की तरह, एकदम ग्रीक गॉड की तरह अलग ही दिखाई पड़ रहा था। और मुझे लगा कि अच्छा यही होंगे। मैंने जाके सीधे कहा कि मेरी तीसरी एकल प्रदर्शनी है, आपको उसको इनॉग्रेट करना पड़ेगा। और केशव इतने महान है कि उन्होंने, वो मुझे जानते भी नहीं थे, उन्होंने कहा ठीक है। तो ये ठीक है मेरे लिए नहीं था। वो हर आर्टिस्ट को कभी भी किसी भी चीज़ के लिए ना कहते ही नहीं है। उन्होंने मुझे ही नहीं, मेरे जैसे पता नहीं असंख्य आर्टिस्ट को, कलाकारों को एनकरेज किया है। मुझे उस समय ये पता ही नहीं था कि उनकी क्या हस्ती है। मैं 2 घंटे तक उनसे गपशप करती रही और बाद में मुझे पता चला कि केशव ने आर्ट के लिए अपने पूरा जीवन लगाया है। वो खुद बहुत बड़े कवि हैं, फिर भी अपनी कविता से समय निकाल के दूसरे आर्टिस्ट को एनकरेज करना, उनके बारे में लिखना। मैंने केशव के लिए इसलिए फिल्म बनाई कि मुझे लगा कि इतनी लंबी यात्रा एक आर्ट क्रिटिक की हुई है और सारे आर्टिस्ट इस बात को महसूस करते हैं। आज से 20 साल बाद जो नए आर्टिस्ट आएंगे उनके सामने कुछ तो हम रख सकें कि हमें अमानत में क्या मिला है। हमारी अमानत, हमारी धरोहर केशव हैं, जिन्होंने हमें एक कलाकार होने का रुतबा दिया है। केशव Malik, the illustrious poet and art critic. He has published, as probably everybody knows, 18 volumes of poetry and several monograms on Indian artists. His latest verses, collection of verses, were published in 2004. Earth in Space and Subcontinental are the names, if I am not wrong. Earth in Space is such a beautiful name, Keshavji, and such an apt metaphor for both art and poetry. Talent is not so rare, even genius is not so rare as a feeling heart. And Keshav Malik is truly a great, tender human being. चित्रकला की दुनिया, चाहे वो आमूर्तन हो, चाहे वो फाइन हो, चाहे उसके अनेक 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 आयाम हो और जिन जिन रूपों में हो, जब हम उनको मूल्यांकित करते हुए केशव मलिक के शब्दों में देखते हैं तो लगता है कि शायद इन्हें कैनवस पर रचते हुए जो कलाकार है उसने भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जो रचना है, अनुकृति है, चित्रकृति है, उसको केशव मलिक इन शब्दों में इस तरह से विश्लेषित करेंगे कि वो कहीं ये महसूस करेगा, अरे उसने इस तरह से तो सोचा नहीं। केशव जी ने अपनी छवि को शुरू से आखिर तक बनाए रखा है और कला के क्षेत्र में शायद ही कोई ऐसा हो जिनके वो रोल मॉडल न हो। Mr. Malik has published 18 volumes of poetry, edited 6 anthologies of English translations of Indian poetry, Padma Shri in 1991 and in 2004 was made a fellow of the Lalit Kala Academy for lifetime contribution. In 1998, Keshav Malik received the Kala Ratna from All India Fine Arts and Craft Society, Kala Ratna Award from the Ujjain University, and a Lifetime Achievement Award from Jamia Milia, Delhi in 2007. Despite all honors and awards, he remains humane, modest, intense, and accessible to all. An evening cannot summarize Keshavji's serious indulgence with art and poetry. What makes Mr. Malik's achievements all the more remarkable is the fact that he and a handful of other writers initiated the larger public into doing art, regularly writing reviews on art and spreading awareness. Ramesh Shrotra, who has been his friend, and they have both been in dialogue for more than 50 years now, and so has Shubha Shrotra, Ram Kumar, M.F. Hussain, Tayyab Mehta, and many, many more. If I have to really quickly and briefly say what I really have admired about him, I think it would be, one, that he has been the most accessible critic to artists, both established as well as emerging ones. क्योंकि उन्होंने मेरा हिस्सा देख के तो बहुत नाराज हुए होंगे। मैं अच्छा रिव्यू दिया। You created me. The first review I got when I was a student in Shantiniketan. I came with Dharamendra Das Gupta, and we and another artist there was Shah Rukh Khan. I had my show in the IFX gallery, and the only art critic who turned up was Keshav Malik. Yeah, because we were nobody, and even though we walked around and invited so many people, nobody, came simply because we were nobody. And for nobody, there was a Keshav Malik, and he came and wrote a review for me first. Perhaps that is the first encouraging review I received in my life. He is still very considerate to unknown artist. He is very kind to even a bad artist. He will, if he cannot write anything good, he will write a poem. Because you don't know, some of the young artists who may have enormous talents, but they are unable to break through. And that is the stage where a critic of your stature can help. आपकी जो contribution है, मेरे ख्याल से unparalleled. There is no comparison. एक शांतुदत्ता थे, जो बहुत नज़दीक आके आर्टिस्टों के साथ मिलते थे, बात करते थे, और दूसरा आपको मैं देखा हूँ कि जो नज़दीकियाँ आप पैदा कर सकते हो, बहुत कम आर्ट क्रिटिक में कर सकते हैं। 4 साल भी उस वक्त बिल्कुल आप समझ लीजिए दिल्ली के पहले आर्ट क्रिटिक थे। उन्होंने आर्ट क्रिटिसिज्म की एक किस्म की फाउंडेशन दिल्ली में रखी, बिल्कुल 47 के बाद। और केशव जी उस वक्त हमारा जब अननोन बना, 7 पेंटर्स शो, 9 पेंटर्स शो, फिर उसके बाद अननोन बना, ये हिंदुस्तान टाइम्स में लेते थे और हमने शिल्पी चक्र में भी शो किए। उसमें केशव जी आते थे और थोड़ी सी बात फैल जाती थी कि वो केशव जी आ गए हैं, कुछ चाय वाय लेके जाओ। तो मैं चाय का प्याला लेके गया तो केशव जी ने कहा तुम मुझे चाय क्यों पिला रहे हो? मतलब मेरे मन में पीछे क्या है? मैं थोड़ी 70s की बात करता हूँ, जब पेंटिंग दिखती तो नहीं थी, तो हमें सिर्फ क्रिटिक्स का ही सहारा होता था। जो उनकी एप्रिशिएशन हमको मिली है, उसी की वजह से हम आज तक पेंटिंग करते आए हैं। और वो समय ऐसा था, जिस तरह की ओपनिंग आज होती है उस तरह से नहीं होती थी। ओपनिंग होती थी, उसमें कोई चाय भी नहीं पिलाता था। क्रिटिक आते थे और उसी रात प्रेस में जाके वो लिखते थे और सुबह कम से कम 5 अखबारों में से 4 अखबार के अंदर वो छपता था। इतनी पेज वो देते थे हमारे लिए और उनके सहारे हम अभी आज तक इतने खड़े हुए हैं। हमारे जब Malik Academy is Zara Badminton. I dabbled in poetry also with him. And then, एक ज़माने में हमने आज एंड पोएट्री टुडे नाम की एक मैगजीन निकाली, जिसमें केशव भी एक्टर थे, मैं भी एक्टर था, और हमने मैगजीन निकाली क्राइटेरिया नाम से, जिसमें पेंटिंग्स फ्रॉम कंट्री के लिए हमने और पोइट्स जो इंडिया भर के पोइट्स हैं उनको जिस पेंटर के साथ जो पोइट्री जाती थी उसके सामने छापी। When one was very bachcha, very scared, and everybody in the house used to think she does these big unwieldy canvases, and then Keshav's one paragraph in Times of India did help a lot. Keshav ji की जो माँ थी, शतवती मल्ली जी, वो हिंदी की एक बड़ी अच्छी कथाकार थी, और हम लोग केशव जी को भी मिलने से पहले उनकी राइटिंग से मिले और उनके परिवार के बारे में सुना करते थे। जब मैं कलकत्ता में था, कपिला जी से बाद में भेंट हुई, केशव जी से भेंट हुई दिल्ली आने पर, और वो भेंट बड़ी सहज हुई। फिर तो चूँकि मैं भी दिनमान का कॉलम लिखने लगा, आर्ट पर लिखने लगा, और केशव जी से बहुत भेंट होने लगी। बल्कि आज याद करता हूँ और बड़े आभार के साथ याद करता हूँ, जैसे मैंने कहा कि हम दिल्ली रह सके, उसमें केशव जी का, रिचर्ड का, शांति दत्ता का, के.के. नायक साहब का, गोयल साहब का, इन सबका बड़ा योगदान है। ये जो मीडियम है आप लोगों का, और जिससे हम लोग भी इतना बंधे हुए हैं, 40 साल 50 साल तो मुझे भी हो गए काम देखते और लिखते हुए, इसमें खड़े रहना पड़ता है। नाटक हम बैठ कर देखते हैं, फिल्म भी बैठ कर देखते हैं, डांस म्यूजिक सब बैठ कर देखते सुनते हैं, तो जरा सोचिए केशव जी पिछले 60 साल में कितना खड़े रहे होंगे। ही इज बीन वेरी फाइन जर्नलिस्ट, कल्चरल जर्नलिस्ट। अब आप देखो तो इंडियन लिटरेचर आप एडिट साहित्य अकेडमी का जर्नल केशव जी ने, और थॉट में रहे दिल्ली के ही नहीं, आप देखो तो मैं तो बहुत घूमता हूँ, देश में बहुत घूमता रहा हूँ, तो जरा कम हो गया। इफ आई गो टू जयपुर, आई गो टू भोपाल, आई गो टू पटना, केशव जी की बात होती है। किसी को शो करना है दिल्ली में तो ही और शी थिंग्स ऑफ केशव जी, उनसे लिखवा लें, वो लिख देंगे, वो लिख देते हैं। आई थिंक दैट इन केशव मलिक इज राइटिंग, बिसाइड्स टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट एंड एस्थेटिक फॉर्मुलेशंस, he has always touched upon the inexplicable emotions that artists try to express in their art, and I think that is something that comes from also his background as a poet. Where are Keshav Maliks of today's generation? Let me extend that argument further. Do we deserve a Keshav Malik today? It is an arguable premise, but let me submit it to you anyway. There was a time when India, soon after independence, was taken with its identity as a nation. There was intellectual ferment and debate. How should our architecture shape? Our cinema and theatre, and indeed writing. Artists played a vital role in this. They were free with their opinions. They sometimes painted the ideal of Nehruvian socialism, often of leftist ideology. They were often on andas with editors. But times changed, and so did newspapers and magazines and editors, who seemed more interested in politics and current affairs than in the arts. Keshav Malik has been a giant among art critics.